नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ओएसएमएफ के बारे में, यानी कि ओरल समुखर फाबिस्ट के बारे में, यानी कि मुंह के कम खुलने की बीमारी के बारे में। दोस्तों, कई लोगों का गुटखा सुपारी तम्बाकू मावा खैनी आदि खाने के कारण मौत अपनी कम होती आती है, और ऐसे लोग धीमे धीमे इलाज भी कराते हैं तो उनको फायदा नहीं होता है। तो मैं आज की वीडियो में जो बताने वाला हूँ, अगर वो लोग आप लोग अपने इलाज के साथ साथ घर पे करेंगे तो बहुत जल्दी फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा, 100% फायदा होगा, गारंटी से फायदा होगा। ऐसा आप करके देखिए दोस्तों, तो कई लोग इलाज तो कराते रहते हैं लेकिन गुटखा खैनी भी खाते रहते हैं। अगर दिन में 10 बार खाते थे तो 2 बार खा रहे हैं, या 1 बार खा रहे हैं, या 4 बार खा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसका इलाज कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको अच्छा इलाज मिले और आप इसमें जल्दी सही हो, तो सबसे पहले तो आपको सारी बैड हैबिट छोड़नी पड़ेगी। अगर बैड हैबिट आप नहीं छोड़ सकते हो तो आप वीडियो को यहीं बंद करके चले आइए, क्योंकि आपके लिए वीडियो है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपकी मौत उपिन कम हो गई है तो सबसे पहले तो आप बैड हैबिट छोड़ दीजिए, जो भी इसके कारक हैं, नशीले पदार्थ और तम्बाकू उत्पाद, चूना पत्थर इकट्ठा और पान और सुपारी वगैरह सब कुछ बंद करना पड़ेगा। इसके बाद ट्रीटमेंट पर अगर आप आएंगे तो इसमें सबसे ज्यादा आपको देखने पड़ेंगे आपके सिम्टम क्या है, क्योंकि कई लोग ये बताते हैं कि माउथ ओपनिंग काफी कम हो रही है, तीखा लगता है खाने में, चटपटा लगता है, मिर्चा नहीं खा पाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसका अल्सर का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि गुटखा खाने वालों के अधिक तो अल्सर हो जाते हैं, जिससे वो कोई भी तीखी चटपटी चीज नहीं खा पाते हैं, और अगर खाते भी तो बहुत कम मात्रा में खाते हैं। तो तीखा चटपटा भी आपको कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा, और सबसे पहले आप इसका कराइए अल्सर का इलाज, जो माउथ में अल्सर हो जाते हैं। अगर कुछ ही का नया अल्सर है तो महीना 15 दिन में तो सही हो जाएगा, सप्ताह में भी सही हो जाएगा, लेकिन किसी को पुराना अल्सर हो गया है तो उसको कम से कम आप 2 से 3 महीने तो इलाज कराइए। सबसे पहले तो अल्सर को सही करिए। अब अल्सर भी ठीक होने के बाद, कई लोग की अगर माउथ ओपनिंग नहीं हो पा रही है, आप लोग की माउथ ओपनिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पहला इलाज आपका हो गया अल्सर, अल्सर नहीं होना चाहिए, अल्सर का ट्रीटमेंट कराएं, और साथ में आप एक्सरसाइज करना चालू करें। दिन में 4 बार आप 15-15 मिनट की एक्सरसाइज कर लोगे माउथ ओपनिंग की, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक्सरसाइज 4 से 5 प्रकार की होती हैं, जो मैक्सिमम चलती हैं उसमें अपने, इसका वीडियो मैं आपको, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक्सरसाइज कैसे करनी उसको देख सकते हो। आपको दिन में 4 बार एक्सरसाइज करनी है 15-15 मिनट, हर एक्सरसाइज में कम से कम 2 से 3 मिनट लगाएं। अगर 15 मिनट से आप 20 मिनट की एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, शुरू में आपको करनी होगी। अब एक्सरसाइज करने में आपको दर्द होगा, सूजन होगा, ठीक है, लेकिन उसमें घबराए नहीं, जिसकी दवाइयां आती है किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, माउथ अल्सर दर्द सूजन की दवाई वो दे देंगे, लेकिन आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। अब एक्सरसाइज करने के बाद आप देखेंगे कि आपको 2 से 3 दिन से फायदा दिखना चालू हो जाएगा, माउथ ओपनिंग बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही आप 2 या 3 दिन बाद एक्सरसाइज छोड़ते हो, माउथ ओपनिंग वैसी उतनी हो जाती है। सपोज कीजिए, अगर आपके माउथ में 20 आई डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे, आपने 3 दिन एक्सरसाइज करी 22 हो गए, लेकिन आपने 1 हफ्ते बाद एक्सरसाइज छोड़ दी तो फिर 20 पे आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे 19 आएंगे, 18 आएंगे, 10 आएंगे, या माउथ खराब होता जाएगा। तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग कम हो चुकी है तो एक बार आप एक्सरसाइज करना चालू करते हो तो कम से कम 6 महीने तक आपको लगातार एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने का बेनिफिट मिलता है, 1 हफ्ते में दिखता है, 15 दिन में दिखता है, 1 महीने में दिखता है, लेकिन पूरी तरीके से माउथ ओपनिंग होने में 6 महीने तक लग जाते हैं। अगर नॉर्मली आपका ज्यादा पुराना केस नहीं है तो 6 महीने में आपका जैसा माउथ ओपन होता था वो आपका ओपन हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा पुराने केस में, जिन्होंने 10 साल से या 20 साल से गुटखा खा रहे हैं और उनकी माउथ ओपनिंग कम हुई है, धीरे धीरे कम होती आ रही है, 10 साल उनको पता है मेरी माउथ ओपनिंग कम हो रही है, लेकिन फिर भी गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना आप लोग सोचते हैं कि अगर मैं 10-20 साल से गुटखा खा रहा हूँ तो क्या मुझे एक बहुत लंबा टाइम लगेगा। आपको बैड हैबिट छोड़नी है, इसको प्रॉपर आपका माउथ अल्सर का आपको ट्रीटमेंट लेना है, आपको हेल्दी आहार लेना है, फलों वगैरह का अगर 250 ग्राम डेली सेवन कर सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप खाने में एलोवेरा ले सकते हो, इसका जूस पी सकते हो सुबह शाम, आंवला भी बहुत ज्यादा फायदा करता है, ज्वारे का रस अल्सर में बहुत ज्यादा फायदा करता है, इन चीजों का आप अगर सेवन करेंगे बहुत जल्दी फायदा होगा। मार्केट में आपको कई प्रकार की दवाइयां भी उसमें उसकी मिलती हैं, लेकिन कई लोग है केवल मल्टी विटामिन ले आते हैं, मल्टी विटामिन से फायदा नहीं होगा दोस्तों। कई लोग मल्टी विटामिन B12, फोलिक एसिड, इस तरीके की दवाइयां ले आते हैं, वो असल में थोड़ा बहुत फायदा करेंगे लेकिन मौत उन्हें फायदा नहीं करेंगी। उस वक्त में साल्ट अलग रहते हैं, उस वक्त की दवाई साल्ट में आपका बीटा कैरोटीन
लाइकोपीन बहुत ज्यादा फायदा करता है, विटामिन ए भी फायदा करता है, विटामिन सी फायदा करता है। अगर इन दवाइयों का सेवन आप डॉक्टर के सुपरविजन में करेंगे तो कोई भी कारण नहीं है आपका 6 महीने के अंदर माउथ ओपनिंग ना हो जाए। अगर नया केस है 6 महीने ओपन हो जाएगा, और पुराना केस भी है तो आप 2-3 साल एक्सरसाइज जम के कर लीजिए। 6 महीने का दवाइयों का कोर्स जरूर करें, क्योंकि जब तक 6 महीने की दवाई का कोर्स नहीं करेंगे तब तक भी पूरा आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो 6 महीने की दवाइयों का कोर्स करें, कहीं भी किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखा लें और एक्सरसाइज करें, आपको फायदा होगा। दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।